Why are you acting like a fool? Walking around you where it's cool. Please tell me how you stay so cool. तो यहाँ पर हैरी को मिला हुआ है मॉर्निंग में खाना। ये आराम से बैठे अच्छा से खा रहा है। यहाँ पे ये खा चुका है फूलगोभी का पत्ता, थोड़ा कम था उसमें बेचारा को, इसलिए हमने यहाँ पर अभी इसको दिए हैं खाने के लिए कुंभर यानी खीरा। ये खीरा खा रहा है, अच्छे मन पसंद चीज़ है। देखिए कितना प्यार की थी ना, बड़ा अच्छा से। अभी तो आवाज़ दी हैरी हैरी तो देखिए अंदर सोया हुआ था। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्यार करेगी प्यार करेगी, आ जाओ आ जाओ। इसको जहाँ प्यार करेगी सर झुकाया और आ जाओ, देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ना हाँ, हमसे टाओ ना, मुँह से टाओ ना, देखो देखिए। अरे क्या करती हो जब देखो तो? हाँ प्यार इसे करेगा ना गर्दन, इसका मतलब उसको प्यार से सहलाना है, तभी वो ठीक होगा। आ जाओ आ जाओ बाबू मेरा, सो ना सो ना सो ना। देखिए क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? गेट खोल दे, गेट खोलो भी तो आओगे। हाँ आ गया, हाँ आओ आप प्यार करें प्यार करें। अरे बदमाशी नहीं करना है, आओ ना आओ ना आओ ना। आप नहीं आगे भी अच्छे से वीडियो बनाना है, देखो मोबाइल के कैमरा में मुंह नहीं जा रहा। आ जाओ आ जाओ सोनू सोनू सोनू, आ जाओ आ जाओ प्यार करें, आ जाओ आ जाओ। और इधर मॉर्निंग में बन रहा है जैकफ्रूट की सब्जी, और जैकफ्रूट को मैंने अच्छे से बॉयल करके फ्राई कर रहे हैं। बहुत मज़े की टेस्ट लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन कौन किस तरह से बनाते हैं। मैं इसे उबाल के फ्राई करके उसके बाद आलू को भी फ्राई कर लेंगे, दिखाते हैं। आलू को भी छील के रखा फ्राई कर लेंगे, और रेगुलर मसाला जैसे कि प्याज तेल में प्याज डाल करके जीरा फोरन डालेंगे, प्याज डालेंगे, लाल जीरे गार्लिक का पेस्ट और रेगुलर मसाला यानी धनिया हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से भून के इस सबको पकाना है, और साथ ही गरम मसाला डालेंगे तो मज़ेदार मेरा बन जाएगा। अगर दाल बना हुआ है तो अभी मॉर्निंग का ये सब काम कर रहा है, अभी रोटी नहीं बनाई तो अभी ये सब काम करके रोटी बना दूँगी। चलिए सब करने वाला को दिखाते हैं। खुद को फ्राई करके मैंने निकाल लिया, साथ ही यहाँ पर आलू को धो करके कटिंग करके रख लिया है। और अब इसको जिस कढ़ाई में मैंने जैकफ्रूट फ्राई किया था इसी कढ़ाई में तेल लगा जैकफ्रूट फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी मसाला कढ़ाई में लग जाता है ना जैकफ्रूट लेता है तो इस तरह से स्पॉट आ जाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, जला हुआ दाग नहीं है। ये अभी हम फ्राई किए हैं ना कटहल यानी जैकफ्रूट, तो उसका ये है। तो ये सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए प्याज कट करके रख लिया है, जिंजर, यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है यानी जैसे मसाला बताया उसी तरह। और अगर जैकफ्रूट की आपको बिरयानी खानी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आलिया ब्लॉगर, मैं हूँ आलिया यास्मीन। और अभी मैं यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग भी करीब 10 o'clock हो चुका है, मॉर्निंग ही कही अभी तक हम रास्ता नहीं बनाए। लॉकडाउन होने की वजह से सब लेट सो के उसो के उठ रहे हैं, लेट से सोते हैं लेट से उठते हैं। तो थोड़ा लेट तो नहीं, हम उठे थे करीब 7:30 बजे, तो अभी 10 बज रहा है। आराम से सुस्ती से काम हो रहा है। और अगर आपको जैकफ्रूट की बिरयानी खानी है तो इंडियन टेस्ट विद यास्मीन जाएंगे, और इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी हम जो कहते हैं डाल देंगे। तो अभी हम बना लेते हैं नाश्ता ब्रेकफास्ट, और उसके बाद लंच की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हम मिलते हैं। तो यहाँ पर तेल डाल दिए हैं, अब मसाला मिक्स करेंगे। तो दिखा दे रहे हैं आपको कि जीरा डाल दिया तेल गर्म होने के बाद, साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा तेज पत्ता 2 पीस डाल देते हैं, और इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको तीखा पसंद है उसी के हिसाब से डालिएगा। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सभी को डाल करके फिर मिक्स करके इसे भून लेते हैं। उसके बाद सब ये जो फ्राई करके मैंने रखा था आलू और जैकफ्रूट, इस सबको उसमें डाल के पकाना है। इसके अंदर हमने नमक डाल दिया है, नमक आपको बताने में भूल गए थे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब साथ ही मीट मसाला डाल दे रहे हैं, यह करीब 2 टीस्पून जैसा डाल देते हैं जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। आलू मेरा बॉयल किया हुआ नहीं है तो आलू को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, मसाला के साथ ये भुना जाएगा और पक जाएगा ये अच्छे से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी पानी हम डाल देंगे,
और इसे पकाते हैं। तो गलाते आलू गलाना है थोड़ा सा, उस साथ ही मसाला के साथ भुना भी जाए, उसके बाद हम जैकफ्रूट को भी ऐड कर देंगे। तो मसाला का साथ भुना जाए, आलू भी हल्का पक जाए, फिर जैकफ्रूट के साथ आलू भी पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आलू मेरा हल्का गल चुका है, और इसी में हमने जैकफ्रूट को डाल दिया और अच्छे से ग्रेवी से भून करके फिर पानी का उसे देख लेते हैं। ग्रेवी हमको रखना है उस हिसाब से रख करके, और इसका हम सब्ज़ी तैयार करेंगे। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, और चलिए से हम ढक करके ढक ढक करके इसे हम पकाएंगे। और तभी आपको कहा था कि 10 बज रहा है, नहीं 10 नहीं बज रहा था, 10 नहीं बज रहा है अभी, अभी पौने 10 ही हो रहा है, यानी 9:45 मिनट हो रहा है। और हम अपने अंदाज से लगा कि हमें इतना देर हो गया तो शायद 10 o'clock हो गया होगा, तो नहीं 10 o'clock नहीं हुआ था। और अभी इतना गर्मी है कि गर्मी के शिद्दत से मेरा पूरा हल रहा, किचन में बहुत ज़्यादा गर्म है। हम विंडो पे नहीं किए हैं, और चिमनी भी बंद करके मुझे जब भी शूटिंग करना होता है तो चिमनी बंद करके ही शूटिंग करना पड़ रहा है, तो इसे आवाज़ भी नहीं मिलता है। तो अभी हम सारा काम, और अभी हम बना रहे हैं चपाती। चपाती बनाने के बाद सबको नाश्ता कराते हैं, उसके बाद फिर आपसे हम मिलेंगे। और हम कहीं जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, आपको हम दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जयपुर की सब्ज़ी बनके तैयार है, एकदम कम ऑयल में बनाया। ग्रेवी हमने थिक मैंने सूखा हुआ ग्रेवी बनाया, एकदम बिल्कुल सिरवा वाला ग्रेवी नहीं बनाया। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते तो मसाला की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा करके आप बनाइएगा, तो आपकी मसाला वाला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लटपट बनाया है, यानी थिकनेस वाली ग्रेवी है, तेल भी बहुत कम है, देख रहे हैं ग्रेवी है इसके अंदर। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की बनी है, क्योंकि मैंने चखा था तो बहुत अच्छा लगा था। चले भी हम नाश्ता कर लेते हैं। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ऐसी रेसिपी को एक बार ज़रूर आजमाइएगा। तो चलिए देखिए हम तैयार होकर निकल रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं आप देख ही लीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो मैं नहीं मेरे हस्बैंड लेंगे। तो यहाँ पास के एक स्कूल में पढ़ रहा था, संत पॉल स्कूल में। तो यहाँ पर देखिए हम वैक्सीन लेने के लिए आ चुके हैं, तो हम नहीं सॉरी फिर मेरे हस्बैंड लेंगे। तो यहाँ पर मैं देखना चाहती थी कि किस तरह से दे रहे हैं, या सोशल डिस्टेंस का पालन किए हैं या नहीं, कि साफ़ सफाई है नहीं, इसलिए मैं इनके साथ आई। मुझे यकीन था कि ये बंदा जा रहे हैं ना वैक्सीन लेने के लिए, तो पता नहीं क्या। फिर भी देखिए खुद थोड़ा कम लोग थे, और क्या पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा था वो जानना चाह रहे थे, किस तरह से दे रहे थे तो वो मुझे देखना था। यहाँ पर हो चुका, अच्छे से लेने के लिए मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने ले लिया। यहाँ पर देखिए फीस थोड़ा सा, जितना देर लगा रजिस्ट्रेशन कराने में उतना देर मैं थोड़ा सा इधर उधर स्कूल देखने लगी, तो ये रहा फीस, तो फीस देखने लगी। और जहाँ वैक्सीन दिया जा रहा था वहाँ पर भी मुझे साफ़ सफाई देखना था, वो भी मैं देखी, वॉच किया कि हाँ अच्छे से साफ़ सफाई, एकदम वैक्सीन का खोलने के बाद ही सभी को लोगों को उसे दिया गया। और ये भी एक दूसरे से दूरी रह के बैठ के ही लेना था, तो जितना भी था कोशिश कर रहे थे कि सब एक दूसरे से दूर रहे। मेरे पता नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इधर से बात करने लग जाते हैं ना, तो मैं कोशिश कर रही थी सब एक दूसरे दूर रहे, और दूर होने की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, और सारा सैनिटाइजर होने के बाद ही वैक्सीन दिया जा रहा था। तो ये सारा चीज़ प्रतिक्रिया बहुत अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं देखना चाह रही थी कि जो भी वैक्सीन पड़ रहा है इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, लोग जितना ले को डबल डोज ले रहे थे, कोई सिंगल डोज था जिसका भी। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही थी वैक्सीन सेंटर में किस तरह से वैक्सीन पड़ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ भी कट या छट कुछ भी नहीं किया, कोई भी कट नहीं किया। देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ वैक्सीन लेने से पहले सिग्नेचर किया है, जितने भी लोग ले रहे हैं सब सिग्नेचर कराने के बाद ही वैक्सीन दिया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आप डबल मास्क लगाई हुई है नर्स, प्लस जो भी सिरिंज है न्यू सिरिंज निकाल के वैक्सीन दे रही है, और उसके बाद उसे तुरंत डस्टबिन में फेंक रही है। इस तरह से सारा चीज़ जो लोगों के अंदर भ्रमित है वो सारा चीज़ खत्म हो जा रहा है, ताकि आप यकीन रखिएगा कि आपको जो वैक्सीन दिया जा रहा है बिल्कुल आपके सेफ के लिए, और आप अपने आप में कितना एहतियात करके ले सकते हैं या कितना एहतियात कर सकते हैं उस तरह से। तो मैं बहुत सर्टिफाइड रही कि हाँ चलिए बहुत अच्छे से यहाँ पर जो भी दिया जा रहा है बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि लेडीज़ भी ले रही है, मैं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है, और मैं देने के बाद यहाँ से चली कि चलिए अब मेरा काम हो चुका है, वैक्सीन ले लिया है, तो चलिए अब घर चलते हैं। तो देखिए और साफ़ सफाई है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और अब तक भी जो भी मास्क पूरी पालन करना है। तो चलिए हम घर की तरफ चलते हैं, और फिर घर चल के आपसे हम बात करते हैं।
तो अभी हम घर वापस आ चुके हैं, आए हुए देर हो गया है, हम फ्रेश हो गए अच्छे से, अपने आप को सैनिटाइजर करने के बाद ही हम आपके पास बैठे हुए हैं। तो सोचे कि आप बता देते हैं कि मेरे हस्बैंड ने वैक्सीन ले लिया, जो आपने देखा और अच्छे से दिया गया, पूरा एहतियात के साथ, किसी तरह का कोई परेशानी, सब लोग दूसरे के दूर दूर थे, दो दो फीट से ज़्यादा दूरी में थे। तो चलिए, हमने नहीं दिलाया अभी तक, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी दिला लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं दिलाऊंगी, तो मैं बाद में दिलाऊंगी। तो अभी इस मिलेंगे, लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आपने अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको मेरे ब्लॉग में क्या क्या देखना अच्छा लगता है या क्या देखना चाहते हैं तो अपनी राय मुझे ज़रूर दें। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए कि क्या आप देखना चाहते हैं। तो अभी हमारे छत पे शाम का वक्त हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है, और देखिए कितने अच्छा से ये एकदम कौन सा पिंक कलर है ना, गाजरी कलर का, ये एकदम बहुत अच्छा गुलाब है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ देखिए अनार, दो दो पीस है, एक ये रहा और दूसरा वो रहा, छोटी सी ये भी है, चाहिए बड़ा बस। थोड़ा सा मौसम अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, ये लगता है चक्रवाती तूफान का, चक्रवाती तूफान का आया है, यास का शायद, हम यास का असर है। ये देखिए, ये कल लगता आएगा ना, आज तो लगता है बंगाली खाड़ी से आज उठेगा, कल आएगा, तो आज पूर्णिमा भी है और चांद का भी। देखिए सामने हम दिखा दे रहे हैं एकदम, यहाँ पर ये एकदम ऑलरेडी से नजर आएगा, तब मैं देखिए ये देखिए यहाँ पर चांद निकल रहा है पूर्णिमा होने की वजह से, देखिए यहाँ पर चांद और थोड़ी बात नज़र आएगा, और हम बड़ा नज़दीक कर देते हैं आपको दिखा रहे, देखिए अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है, अगल बगल का मकान भी ऊंचा हो चुका है, जल्दी जल्दी नहीं आने पे छत कुछ पता ही नहीं चलता, मस्जिद नजर आ रहा है, देखिए खजूर गाछ में खजूर आया हुआ है, देखिए खजूर का, मैंने एक महीना के अंदर खजूर भी तैयार हो जाएगा और जामुन भी, यही सीजन, इसलिए लगता है जून जुलाई तक खजूर और जामुन बिकेगा ही। यहाँ पर देखिए देसी गुलाब का कली आया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, इसका खुशबू तो मत पूछो, और सब ये कम है, और ये अधकुला कली है, और यहाँ पर मोगरा, मोगरा ही बहुत आया हुआ है, कुछ तो तोड़ के मेरे हस्बैंड नीचे ले गए, कुछ है इधर भी, देखिए देसी गुलाब की कलियाँ, ऐसे ही बीज गिरा था रोक दिए, देखिए कड़ी पत्ता कहते हैं, इससे खुशबू तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर सब्जी कड़ी में डाल, सब्जी उब्जी में डाल करके डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये हरसिंगार, ये हरसिंगार का पौधा भी इतना बड़ा है, और जानते हैं इसका हर सिंगार का पौधा से फ़ायदा क्या, कि अगर आपको फीवर है या कुछ भी ज़्यादा नहीं ठीक हो रहा तो इसके पानी को उबाल के पी लीजिए, आपका फीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और कड़ी पत्ता का क्या है कि आप 4-5 कड़ी पत्ता को अच्छे से धो के चिवा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए, आपके बाल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। और मैं भी कड़ी पत्ता खा रही हूँ धो करके अपने बालों के लिए, कुछ इधर नहीं अच्छा लगता है, नीम, मीठा नीम का पत्ता है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो फ़ायदेमंद की चीज़ खाना भी चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम अपने हस्बैंड के साथ दोनों छत पर घूम रहे हैं, शाम का इवनिंग का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, आगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो आपने अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और जिसने अभी और मेरा ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा भूलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग से फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। एक वजह से पूरी चांद निकलेगी और अभी से वो चांद निकलना स्टार्ट हो चुका है, और मौसम आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है।
देखिए आसमान की लड़ाई की तरह का असर, या उसका असर जो आसमान में इस तरह से शाम का इवनिंग का पता नहीं कैच कर रहे कि नहीं, लेकिन बादल छाया हुआ है और मौसम बहुत ही खुशगवार है। और चाँद जब अपने पूरे स्वभाव में आ जाएगा और हम नज़दीक से आपको चाँद दिखाते हैं, देखिए है ना। तो जैसे जैसे होगा फिर आपको हम वीडियो में आते हैं।